हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है बसंत पंचमी के अवसर पर आज हम मीठे चावल बनाएंगे। और मीठे चावल बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी चावल लिए हैं, इसको हमने एक घंटे के लिए भिगो दिया था। और एक ही कटोरी हमने चीनी ली है। और ये हमने नारियल लिया है, इसको हमने लंबाई में कट कर लिया है। थोड़े से हमने बादाम लिए हैं, इसको भी लंबे टुकड़े में कट कर लिया है। और ये मैंने किशमिश ली हैं, और ये मैंने लिया है केवड़ा, और ये फ्रूट कलर लिया है। एक मोटी इलायची और चार छोटी इलायची ली हैं, चार ही मैंने लौंग ली हैं, एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, और एक चम्मच मैंने देसी घी लिया है। तो आइए बनाते हैं मीठे चावल या जर्दा। ये मैंने एक पतीले में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसी में ढक के उबलने तक का इंतजार करूंगी पानी को। और ये हमारा पानी बॉईल होने लगा है। अब मैं इसमें ये मोटी इलायची और ये लौंग भी डाल दूंगी, और दालचीनी के टुकड़े भी डाल दूंगी मैं इसमें। और ये वाली छोटी इलायची मैं अभी बचा लूंगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल दूंगी। और पानी हमारा उबलने लगा है, अब मैं इसमें ये चावल डाल दूंगी। और चावल को मैं उबलने दूंगी। ये हमारे चावल में उबाल आ चुका है, और इसमें मैं तीन चौथाई तक गलने तक पकाऊंगी चावल को। और ये हमारे चावल तीन चौथाई उबल चुके हैं, देखो, और एक चौथाई कच्चे हैं चावल। ये हमें इसी प्रकार के चावल चाहिए। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और चावल का पानी छान लूंगी। और ये मैंने चावल को छान लिया है, और इधर मैंने कढ़ाई को फिर से गैस पे रख लिया है। कढ़ाई के अंदर ये एक चम्मच घी डाल दूंगी, ये मैंने बड़ा चम्मच घी लिया है। हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये इलायची डाल दूंगी, और साथ ही मैं इसमें ये खोपा डाल दूंगी, बादाम, और ये किशमिश भी डाल दूंगी इसके अंदर। और इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी, घी के अंदर ही भून लूंगी। अब मैं इसके अंदर ये चावल डाल दूंगी। गैस का फ्लेम मैं स्लो ही रखूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर ये चीनी डाल दूंगी एक कटोरी। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसे मैं स्लो गैस पे ही 5 मिनट के ढक के पकने दूंगी, जब तक हमारी ये चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो आइए चेक करते हैं हम, हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमें। और अब मैं इसके अंदर केवड़ा डालूंगी। केवड़ा में ये छोटा स्पून डालूंगी, इसे जर्दे की खुशबू बहुत ही बढ़िया लगेगी। मिक्स कर देती हूँ। क्या बनके तैयार हुए हैं हमारे मीठे चावल, और फिर से मैं इसे ढक दूंगी क्योंकि मैंने इसमें केवड़ा डाला है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ, और अब मैं ढक्कन खोल के देखूंगी, और ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए
और अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लूंगी। कितने बढ़िया खिले खिले हमारे ये मीठे चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये हमारा जर्दा बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।